हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिम्स ऑफिशियल। आई स्वाति राजपूत, योर एसएसटी टीचर, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। एंड टुडेज टॉपिक इज अकोमोडेशंस इन बेल्जियम। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। So student, let's start our today's topic, that is accommodation in Belgium. तो देखिए स्टूडेंट, हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं जहां हमने श्रीलंका और बेल्जियम की केस स्टडी के बारे में पढ़ा था। तो यहां पर हम बेल्जियम ने जो उस टाइम पर समझदारी दिखाई, जो उन्होंने डिसीज़न लिए, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। They recognized the existence of the regional differences and cultural diversities. देखिए यहाँ पर जो बेल्जियम के लीडर्स थे, उन्होंने श्रीलंका से एक डिफरेंट पाथ उन्होंने अपनाया। श्रीलंका ने जो डिसाइड किया था, उसे एक अलग रास्ता इन्होंने चूज़ किया। They recognized the existence of the regional differences and cultural diversities. तो उन्होंने क्या किया, जितने भी रीजनल डिफरेंसेस थे, मतलब जितने भी वहाँ पर एरिया के अकॉर्डिंग जो भी डिफरेंसेस थे, और जितने भी कल्चरल डाइवर्सिटीज़ थी वहाँ पर, जितनी भी संस्कृति को लेकर जो भी विविधता थी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उसको स्वीकार किया। बिटवीन 1917 एंड 1930 दे अमेंडमेंट देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। 1917 से लेकर 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 4 बार उन्होंने अमेंडमेंट किए, यानी कि संशोधन किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ इस बात के लिए कि उनकी कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी सोसाइटी से हो या किसी भी कैटेगरी से हो, उस आदमी को मतलब बिल्कुल भी उसे ये लगे कि वो भी इसी कंट्री का पार्ट है, इसी कंट्री में रह रहा है, उसको बिल्कुल भी एक अलग वाली भावना कहें या फिर एक बेगाने वाली भावना, उसको भावना का फीलिंग नहीं हो उसको, ठीक है, और उसको ये फील हो कि हम सभी एक ही कंट्री के लोग हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट द डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड वेरी इनोवेटिव। बेल्जियम ने जो भी तरीका ये अपनाया, जो भी सिस्टम उन्होंने यहाँ पर अपनाया, वो एक वाकई एक इमेजिनेशन ही कर सकते हैं हम उसकी, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कर पाई, कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया, ठीक है। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। तो देखिए बेल्जियम ने जो एक मॉडल वहाँ पर अपनाया, जो एक्सेप्ट किया, उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेल्जियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसमें डच मिनिस्टर और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल होंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही लैंग्वेज को बोलने वाले मिनिस्टर्स होंगे और इक्वल नंबर्स में होंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। अगर कोई स्पेशल कानून वहाँ पर बनाना होगा तो वो तभी कानून बन सकेगा जब दोनों लैंग्वेज के ग्रुप के जो लीडर्स हैं वो उनके पक्ष में होंगे। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अल्टरनेटली। तो इस तरह से कोई भी सिंगल जो कम्युनिटी है, कोई भी जो सिंगल समुदाय है, वो एक तरफा फैसला नहीं कर सकते, यानी कि एक लैंग्वेज के लोगों के थ्रू लिया हुआ डिसीज़न मान्य नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो वहाँ की गवर्नमेंट ने रखा, मैनी पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। The state governments are not subordinate to the central government. It means central government की जो बहुत सारी powers थी
वो स्टेट को स्टेट के जो पार्ट्स थे दो रीजन्स थे उनमें डिवाइड कर दी गई। इट मीन्स यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जो राज्य सरकार थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं थी। उनका अपना अलग से एक वजूद था, उनके पास अलग से अपनी पावर्स थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. अब देखिए, जो ब्रुसेल्स यानी कि जो बेल्जियम की कैपिटल थी, तो ब्रुसेल्स में अलग गवर्नमेंट थी और इसमें भी जो दोनों कम्युनिटीज़ थी उनका इक्वल ही रिप्रेजेंटेशन था, इक्वल पार्टिसिपेशन था उनका। तो यहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उन्होंने ब्रुसेल्स में ब्रुसेल्स के ही इक्वल, जैसे ब्रुसेल्स में, तो उन्होंने ब्रुसेल्स में इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो डच स्पीकर्स थे उन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकर्स को इक्वल राइट्स दिए थे, उनको इक्वालिटी दी थी। तो इसी तरह से ब्रुसेल्स में भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया और वहाँ पर भी फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग दोनों को इक्वल राइट्स और इक्वल पार्ट्स डिवाइड की गई। ओके, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट थी, जो थी आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, जिसको इलेक्ट करते थे लैंग्वेज से रिलेटेड जो लोग थे, यानी कि एक लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोग इसके लीडर्स को या फिर इसके जो भी मेम्बर्स थे उनको इलेक्ट करते थे। लैंग्वेज लाइक जैसे आपका डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग थी। ठीक है, तो नो मैटर वेयर दे लिव, कोई मैटर नहीं करता था कि वो इन लैंग्वेज को बोलने वाले लोग कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। तो ये स्पेशल लैंग्वेज बोलने वाले, यानी कि कोई भी एक लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोग अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाते थे और इस गवर्नमेंट के पास जो पावर थी वो अपने कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते थे वो इन सभी इश्यूज पर अपने डिसीजन लेती थी, अपने फैसले लेती थी। ओके, यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अभी जितना भी हमने बेल्जियम के मॉडल के बारे में जो भी पॉइंट्स देखे, तो इन पॉइंट्स के बेसिस पर हमें ये जो मॉडल है कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। इट इन डीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। ये बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी इतना ही कॉम्प्लिकेटेड था जितना हम इसको जितना ये हमें लग रहा है। ठीक है, इसके बावजूद भी बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फॉर। बट ये जो भी अरेंजमेंट्स किए गए बेल्जियम गवर्नमेंट के थ्रू, इन सभी ने वर्क किया वहाँ पर, इन सभी मतलब ये सक्सेस रहे एक तरह से। They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. यानी कि इससे क्या हुआ कि कंट्री में जो एक तरह से जो सिविल वॉर्स होती हैं, जो कंट्री में ही जो आपस में लोगों में वॉर्स हो जाती हैं, तो इस तरह की वॉर्स जो थी वो वहाँ पर टल गई, क्योंकि बेल्जियम में जितने भी लैंग्वेज के बेसिस पर जो दो ग्रुप थे, डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स, तो अगर उन सभी को इक्वल्स राइट्स नहीं मिलते तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो कंट्री है वो लैंग्वेज के बेसिस पर वहाँ पर डिवाइड हो जाती। तो इस मॉडल के बिहाव पर हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी पॉइंट्स बेल्जियम गवर्नमेंट ने लिए, इन सब के थ्रू कंट्री में एक शांति बनी रही और वॉर जैसी कंडीशंस नहीं आई। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वॉज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। जब बहुत सी यूरोपियन कंट्री साथ में आई और उन्होंने एक यूरोपियन यूनियन बनानी चाहिए, एक यूरोपीय संघ बनाना चाहा, तो इस डिसीजन के बाद जो ब्रुसेल्स थी उसको वहाँ का हेडक्वार्टर, ब्रुसेल्स को वहाँ का हेडक्वार्टर चुना गया, यानी कि यूरोपियन यूनियन जो बनाई गई ब्रुसेल्स को उसका हेडक्वार्टर चूज़ किया गया। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से हमने ये समझा कि बेल्जियम ने किस तरह से समझदारी दिखाकर दोनों
ही लैंग्वेज के जो लोग थे उनको इक्वल राइट्स दिए वहाँ पर, गवर्नमेंट ने उनको राइट्स दिलाया, उनके लैंग्वेज को पहचान दिलाई, जिस तरह से वहाँ पर दोनों ही कम्युनिटी के जो लोग थे वो सेटिस्फाई थे और आराम से वो लोग ईजिली वहाँ पर उस कंट्री में वो रह पाए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।